कोलकाताओं में पूर्णिमा को बेहद अहम माना जाता है, खासकर शरद पूर्णिमा को। अश्विन मास में आने वाली इस पूर्णिमा को लेकर मान्यता यही है कि चांद अपनी 16 कलाओं को पूरा करता है और इसी दिन चांद से अमृत की वर्षा होती है। जिस तरह प्राचीन मान्यताओं में कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आसमान से अमृत बरसता है, उसी तरह साइंस भी इस बात को मानता है कि शरद पूर्णिमा के ही दिन आसमान से कुछ ऐसे रासायनिक तत्व गिरते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। आप भी जानिए कि चांद की रोशनी में रखा खीर अमृत कैसे बन जाता है। आपने धार्मिक कारण तो बहुत से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में इसके वैज्ञानिक कारण को बताने वाले हैं। जानकारों और वैज्ञानिक के मुताबिक दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत जैसे तत्व होते हैं। यही तत्व जब चांद की रोशनी पाकर रिएक्शन करते हैं तो यह तत्व सबसे ज्यादा चांद की किरणों को अवशोषित करता है। सिर्फ यही नहीं, चावल में जो स्टार्च होते हैं वह इस प्रक्रिया को आसान बना देते हैं, जिससे जो तत्व तैयार होता है वो हमारे शरीर में कई बार कई तरह के रोगों को कम करता है, साथ ही हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद भी होता है। यही कारण रहा है कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने इस दिन चांद की रोशनी में खीर रखकर खाने को कहा है। चांदी के बर्तन में खीर खाने से इससे दुगना फायदा मिलता है। जी हाँ, इस दिन चांद की रोशनी में चांदी के बर्तन में खीर खाने से और भी ज्यादा फायदा होता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि चांदी के बर्तन में खीर रखने और उसी में खाने से खीर और भी अधिक फायदेमंद हो जाता है। मान्यता है कि चांदी के पात्र में खीर खाने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो शरद पूर्णिमा की पारंपरिक मान्यता भी काफी है। इस दिन लोग न सिर्फ चांद की पूजा करते हैं बल्कि अपने इष्ट देव की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को खास महत्व दिया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से शरद पूर्णिमा के चांदनी रात में रखा गया खीर, अगर आप उस खीर का सेवन करते हैं तो किस तरीके से वो आपको कई तरीके के रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में उत्पन्न करता है, साथ ही आपको कई तरीके के बीमारियों से भी वो बचाता है। हेल्थ इंडिया की ओर से पूजा प्रिया की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।